साइक्लोनिस्ट ऑफ मिग्जाम का रेमनेंट डिप्रेशन अर्ली मॉर्निंग में नॉर्थ ईस्ट तेलंगाना एडजॉइनिंग साउथ छत्तीसगढ़ साउथ इंटर उड़ीसा कोस्टल आंध्र प्रदेश में था। ए फर्दर अभी मॉर्निंग 8:30 ऑब्जर्वेशन में फर्दर वीक हो गया है। अभी वीकेंड होकर के वेनमार्क लोपेसर एरिया है सेम एरिया में। इसका प्रभाव में हमारा पिछले 24 घंटा में साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में नॉर्थ इंटीरियर में कुछ कुछ स्थानों पर नॉर्थ कोस्टल में एक दो जगह करके बारिश हल्का से मध्यम हुआ है। हैवी रेनफॉल भी हुआ है एक दो जगह करके। हमारा कोरापुट जिला का पोटांग में हाइस्ट रेनफॉल था 106.0 मिलीमीटर। उसके बाद सिमलीगुड़ा में था 86.0 मिलीमीटर, कोरापुट में था 67.2 मिलीमीटर, मलकानगिरी का चित्रकुंडा 56.8 मिलीमीटर, मलकानगिरी का पडिया 53.2 मिलीमीटर, कोरापुट का नंदापुर 48.0 मिलीमीटर, लमतापुर 43.4 मिलीमीटर। इस तरह से बारिश हुआ है। अभी हमारा फोरकास्ट जो है नेक्स्ट 24 आवर्स में साउथ उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में नॉर्थ उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होने का पॉसिबिलिटी है। और फिर कल बारिश मीन 7 तारीख में बारिश कम हो जाएगा, केवल कुछ कुछ स्थानों पर ही हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। 8 तारीख में एक दो जगह में हो सकता है, 9 तारीख से फिर ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। हेवी रेनफॉल भी नेक्स्ट 24 आवर्स में एक दो जगह में हो सकता है, मेनली मलकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर नवापुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। और अभी मिनिमम टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर अभी स्वाभाविक से हमारा ज्यादा है। अगला 2 दिन में ज्यादा चेंजेस नहीं है, 2 दिन का बाद फिर मिनिमम टेम्परेचर भी 3 to 5 degrees तक फॉल करेगा, फिर स्वाभाविक में आने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में आज जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा, एक दो स्पेल्स हल्का से मध्यम बारिश का पॉसिबिलिटी है।